शराब तस्कर गिरफ्तार, 11 लाख की अंग्रेजी शराब बरामद। एसओजी व सदर बाजार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। शाहजहांपुर यूपी, अवैध शराब तस्करी करने वालों के विरुद्ध जनपद में चल रहे अभियान में एसओजी व सदर बाजार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 11 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब बरामद कर 6 लोगों को किया गिरफ्तार, टैंकर व लग्जरी कार बरामद। अशोक पाल प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार, रोहित कुमार एसओजी प्रभारी, उप निरीक्षक अमित कुमार, चौकी प्रभारी शाहबाज नगर आदि टीम ने मुखबिर की सूचना पर सुभाष नगर रेलवे क्रॉसिंग से टाटा 407 सारी से हरियाणा से बिहार के लिए तस्करी कर ले जाई जा रही अवैध अंग्रेजी शराब 115 पेटी, जिसमें 1375 कांच की शराब की बोतल व 455 अंग्रेजी के क्वार्टर व 119 बार कोड बरामद किए। हरियाणा से बिहार ले जाने जाने वाली अवैध शराब की तस्करी करने वालों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई प्रचलित है। इसी परिप्रेक्ष्य में कल मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी एसओजी को कि एक टैंकर में छद्म तरीके से कैविटी बनाकर और उसमें शराब ले जाई जा रही है, जिसके साथ में एक I-10 गाड़ी भी है। इस सूचना पर शहबाज नगर के पास उनके द्वारा गाड़ाबंदी करते हुए उस टैंकर को इंटरसेप्ट किया गया। प्रथम दृष्टया उस टैंकर में ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था जिससे ऐसा लगे कि उसके अंदर शराब हो सकती है। सारी चीज़ें बिल्कुल सुव्यवस्थित दिख रही थी, लेकिन वो कैविटी इस तरह से बनाई गई थी जो केवल उनके जो साथ चलने वाले लोग हैं वही पहचान पाए। तो उनके साथ जब सख्ती से पूछताछ हुई, उन्होंने उस कैविटी को किस तरह से खोला जाए दिखाया। इसके अंदर से 130 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। नाइट ब्लू ब्रांड है इसका और इसकी कीमत लगभग 11 लाख रुपए है। ये हरियाणा से बिहार ले जा रही थी। 6 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, जिनमें से 4 हरियाणा के ही हैं, 2 जनपद मथुरा के हैं, उत्तर प्रदेश के। इनसे गहनता से पूछताछ की गई है और इसके पहले कितने समय से ऐसा ये कृत्य कर रहे हैं इसके बारे में जानकारी की गई है। साथ में इसके एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत से तथ्य प्रकाश में हैं जिनके आधार पर कार्रवाई होगी। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सदर बाजार में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।